प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वाराणसी की सीट सिर्फ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीती। भारत के इतिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए यह सेकंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन है। इससे नीचे सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर गए थे, जो एक्चुअली में 1991 में सिर्फ 7 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और याद रखिए, ये वाराणसी की वही सीट है जहां पर कॉमेडियन श्याम रंगीला नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें लड़ने नहीं दिया गया। ये बात अब बड़ी साफ है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। महाराष्ट्र को देखिए, 19 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर नरेंद्र मोदी ने जाके अपने भाषण दिए थे, उनमें से 15 बीजेपी हार गई। राजस्थान की बंसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर नरेंद्र मोदी ने अपना नफरत खोर झूठा भाषण दिया था कि ये कांग्रेस वाले आपकी दौलत लेकर भाग जाएंगे, पैसा छीन लेंगे आपका, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था, वहां भी बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली हैं, और ये 33 सीटों में से भी 16 सीटें सिर्फ मायावती की बीएसपी की वजह से मिली हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी ने इन 16 सीटों पर वोट ना काटे होते तो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका होता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि अब बीजेपी में और बहुत से डिजर्विंग नेता हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जो 8 लाख वोटों के मार्जिन से जीते हैं, या फिर नितिन गडकरी जिनकी रेपुटेशन नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा बेहतर है।